हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी गार्डन। फ्रेंड्स, आपको मैंने एक वीडियो अपडेट की थी जिसमें मैंने कनेर की कटिंग्स लगाई थी, और उस कटिंग को फ्रेंड मैंने लगाने के 10-11 दिन बाद मैंने वो वीडियो अपडेट किया था, क्योंकि मैं पहले उसका रिज़ल्ट देखना चाहती थी कि उसकी, क्योंकि कनेर की कटिंग मैंने भी फर्स्ट टाइम लगाई है, तो अभी पीछे भी लगाई थी, मतलब फर्स्ट टाइम ही आप समझ लीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं उसका रिज़ल्ट आ जाए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसका फ्रेंड रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। 80-90% मेरी कटिंग्स जो हैं लग गई हैं। अब ये देखिए, मैंने सबसे पहले तो मैंने जो वाटर में कटिंग डाली थी, उस टाइम मैंने पत्तियों के साथ में ही कुछ कटिंग्स इसमें डाल दी थी, तो वो जो पत्तियों जो ऐसी कटिंग मैंने कट करके डाली थी, इनकी देखिए आप, ये देखिए इतनी ग्रोथ निकल आई है, रूट्स निकल आई है। और जो जिनका पता था कि रिज़ल्ट नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि जो ऊपर के टॉप थे वो इसलिए कि डस्टबिन में डालेंगे या उसका कुछ करेंगे, इससे बेटर है कि एक बार पानी में डाल देते हैं, अगर लग जाएगी तो ठीक है, नहीं लग जाएगी तो ठीक है। अब ये कटिंग है या नहीं लगी, क्योंकि ये कटिंग इसका कोई लगने का वो दिख ही नहीं रहा था, ऐसे ही इसकी कोई सही शेप नहीं है, सही जगह से कटी नहीं हुई है, तो इसका पता था ये नहीं लगेगी, फिर भी ऐसे ही डाल दिया था कि लग जाए तो ठीक है, नहीं लगेगी तो ठीक है। तो ये हमारे कटिंग नहीं लगी, बाकी इसमें मेरी कटिंग ये लग गई है, पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कटिंग इसमें लग गई हैं। और आइए मैं आपको गमले वाली, और ये रिज़ल्ट जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये 15-16 दिन के बाद मतलब आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा, हफ्ते भर में दिखाई दे जाएगा, और लेकिन उसके बाद जो ये कटिंग की रूट्स हैं, रूट्स आने लग जाएंगे, ये अच्छी रूट्स। अब मेरे पास मिट्टी नहीं है, मैं मिट्टी और ये सब तैयारी करके अवेलेबल करके मैं इनको लगाऊंगी, और हो सकता है मैं अपने जयपुर वाले गार्डन ले जाकर वहाँ ही लगा दूँ इन कटिंग्स को। तो अभी मैं आपको गमले में जो मैंने कटिंग मिट्टी में लगाई थी, ये पानी वाली कटिंग थी, मिट्टी वाली कटिंग मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये कटिंग लगाई थी, ये वही कटिंग है, ये देखिए मैंने ये वाली कटिंग, और मैंने कहा था कि थोड़ा हार्ड स्टेम जो होता है डार्क ब्राउन कलर का, वो कटिंग बहुत अच्छे से लग जाएगी, ये कटिंग लगाई थी दो। इसमें मैंने कितनी कटिंग जो भी है इसमें, अभी इसी में इसको मैंने नहीं छेड़ा, पानी वालियों को मैंने जो नहीं लगाई थी, नहीं लगी हैं वो मैंने काफ़ी निकाल कर, और उसके पत्ते मैंने डस्टबिन में नहीं डाले, मैंने उनकी खाद बना ली, मैंने अपने खाद वाली बाल्टी में डाल के रख दिया उनको। ये देखिए ये लग गई, 1, 2, 3 ये कटिंग नहीं लगी, और लेकिन अभी ग्रीन है इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते, जब तक आपकी कटिंग ग्रीन रहती है तब तक आप उस कटिंग को निकालिए मत। और ये देखिए इस गमले में मैंने लगाई थी 1, 2, 3, ये देखिए ये तीनों कटिंग्स मेरी लग गई हैं, दिखाई दे रही हैं आपको, और ये देखिए पॉर्चुला की भी कितनी छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये फ्लावर जो है धूप में खिलते हैं, और अभी बारिश का सीज़न है तो धूप कम निकल रही है इसलिए इसकी फ्लावरिंग कम हो रही है पॉर्चुला की। और ये देखिए इसमें दो कटिंग लगाई थी, दोनों लग गई हैं। इसमें मैंने दो कटिंग लगाई थी, एक कटिंग ये नहीं लगेगी और ये सूखने भी लग गई, ये कटिंग लग गई है, ये देखिए। अब ये देखिए कुछ कटिंग होती है जो जिसका रिज़ल्ट मतलब हैंड टू हैंड मेरे को 3-4 दिन में देखने को मिल गया, अब ये कटिंग है इसने रिज़ल्ट लेट दिया इसलिए इसकी लीव्स देखिए कम आ रही हैं। और अब इसमें मैंने एक लगाई थी उस पर नहीं आ रही, तो वो कटिंग पता नहीं है लगेगी या नहीं लगेगी। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें मैंने अपने अलामंडा के गमले में लगाई थी, ये कटिंग भी लग गई है, इसकी भी पत्तियाँ आ गई हैं, आपको दिखाई दे रही है, एक ही लगाई थी एक लग गई। इस गमले में भी मैंने लगाई थी, ये लग गई है, और एक इधर लगाई थी ये भी लग गई है। तो फ्रेंड्स देख, आप खुद देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कटिंग लगाने का, तो जो है मेरे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला इसमें और इस सीज़न में। और ये जो इन पे बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं, जो मतलब आप डिवाइडर पे देखते हैं ना, मैं सही बोल रही हूँ, मैं जयपुर से जब आ रही थी तो रास्ते में मैंने डिवाइडर से, मैं कटर साथ में लेकर गई थी, मेरी गाड़ी में ही था,
आते टाइम हमने जो है जितने भी डार्क रेड थे, पिंक कलर थे, डार्क पिंक कलर था, वाइट कलर था, जितने भी ये कनेर के फ्लावर थे मैंने सब की कटिंग्स ले ली थी। और अब ये नहीं पता मेरे को कौन सी कटिंग किसकी है, लेकिन मिक्स है, सब मिक्स है। और इनकी जब फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग इनमें 3 4 महीने में आई थिंक मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाती है। और ये ग्राउंड में बहुत अच्छे से चलते हैं, गमले में भी चल जाएंगे, लेकिन ग्राउंड में अगर आप लगाएंगे, क्यारी में अगर लगाएंगे, ज़मीन मिट्टी में लगाते हैं, तो ये फ्लावर जो है, ये प्लांट जो है बुशी हो जाते हैं, और इनके जो फिर फ्लावर हैं वो बहुत सारे एक साथ खिलते, जैसे आप डिवाइडर पे इन पे देख सकते हैं रोड के बीच में, तो बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो आप इस, अभी भी बरसात का मौसम है, अगस्त पूरा बरसात का मौसम है, तो आप इसमें कटिंग लगा सकते हैं, तो मेरी तरह आप भी लगाइए। और आप ये देखिए, आपको फ्री में, मतलब फ्री में मैंने इतने सारे, अगर मैं काउंट करूँ तो 15 20 हो गए होंगे ये, इतने प्लांट मेरे तैयार हो गए हैं। तो मैं अपने गार्डन को तैयार कर रही हूँ, नए गार्डन को, और जो अपना शौक है वो तो पूरा करना ही है, तो मेरा शौक भी पूरा हो जाता है, और जो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो लाइक पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।